डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने संसद पर राहुल गांधी के बयान को लेकर निशाना साधा। अरुण साव ने कहा, राहुल गांधी ने अपने भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कोई चर्चा नहीं की। अपने भाषण में राहुल गांधी ने केवल झूठ का पुलंदा बांधा। संवैधानिक पद पर होकर देश की जनता से झूठ बोला, ये मामला गंभीर है। 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया गया है। राहुल गांधी को हिंदुत्व का अर्थ नहीं पता और ना इसकी जानकारी है। राहुल गांधी एक बार कहना भूल गए हैं कि हिंसा किसने की, आपातकाल किसने लागू की। हिंदुत्व के खिलाफ बोलना कांग्रेस की नियत हो गई है। और उनका पूरा भाषण एक एक मुद्दे पर केवल और केवल झूठ का पुलिंदा। पांचवी बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होकर भी देश की संसद से झूठ बोलना, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। 110 करोड़ हिंदुओं का यह अपमान। न तो नेता प्रतिपक्ष को हिंदू की परिभाषा मालूम है, न अर्थ मालूम है। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार से सभी हिंदुओं को हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है।